मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा सार्थक समेकित शिक्षा केंद्र आस्था ग्राम ट्रस्ट में श्री गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभा के जिला प्रधान सरदार कमलजीत सिंह गांधी ने बताया कि श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के निमित्त आज हमने संस्था के 230 दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मासिक दिव्यांग, सकलांग विद्यार्थियों के बीच आकर कीर्तन दीवान सजाया, जिसमें ज्ञानी पवन सिंह जी द्वारा गुरबाणी का जसगान किया गया, जिसमें सबे घट राम बोले, रामा बोले, गुरु नानक दी वड़ियाई, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे जैसे गुणवाणी शब्दों के विद्यार्थी, शिक्षक एवं समस्त संगत गुरु भक्ति में लीन हो गई। सभा की श्रीमती रानी कौर चावला द्वारा गुरु नानक देव जी के द्वारा दी गई शिक्षाओं पर प्रकाश डाला एवं बच्चों को उनके द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों पर चलने के लिए प्रेरित किया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। प्रकाश पर्व के बारे में वे लोग कुछ मिठाई और सामग्री का वितरण करना चाह रहे थे, तो हम सब लोगों का ये मन बना कि मिठाई तो मुंह का स्वाद है, लेकिन कुछ आत्मा का स्वाद हो, कुछ शिक्षा का स्वाद हो। तो हम लोगों ने निवेदन किया कि अगर यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी के बारे में कुछ बताएं, उनकी शिक्षाओं के बारे में कुछ बताएं, तो बहुत ही अच्छा लगा जब इन लोगों ने पूरा एक कीर्तन दरबार ही यहाँ पे सजा दिया। बच्चों ने माथे अपने ढके उन सब चीज़ों के लिए जो कल से तैयारियाँ व्यवस्थाएँ चल रही हैं बच्चों के लिए। एक सिर्फ कार्यक्रम ही नहीं, एक बहुत अच्छा बड़ा आयोजन जैसा हो गया सच में। जो प्रकाश पर्व में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा द्वारा आज सुबह सार्थक समेकित शिक्षा केंद्र आस्था ग्राम ट्रस्ट में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ पर श्रवण बधिर, मुख बधिर, दृष्टिहीन विद्यार्थियों के बीच में आकर हम लोगों ने प्रकाश पर्व मनाया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि गुरु नानक देव जी ने हमें हमेशा सिखाया है कि जात पात ऊंच नीच का भेद मिटाना चाहिए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए, उनकी इसी शिक्षा से प्रेरणा लेते हुए हमने आज ये गुरु पर्व इन बच्चों के बीच में मनाया है। इन बच्चों को शिक्षा दी है कि हम हमेशा मिलकर साथ चलें, और बच्चों को हमने पेन, पेंसिल, कापियाँ, कलर पेंसिल्स बांटी हैं। साथ ही बच्चों को मिठाइयाँ वितरित करके प्रकाश पर्व मनाया गया है। और आज प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में मैं उपस्थित सभी संगत को प्रकाश पर्व की लख लख बधाइयाँ देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।